अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। अभी हम लोग देखेंगे कि नैपटेक के पोर्टल पे रजिस्टर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एड्रेस फॉर द नैपटेक पोर्टल, PMS। यहाँ पर आप देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द नैपटेक पोर्टल एड्रेस। इसको आप अपने एड्रेस बार पे आप लिखें PMS.NAVTTC.GOV.PK/admissions। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने ये स्किल्स फॉर ऑल कैंडिडेट साइन अप का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, पहले तो हम जल्दी जल्दी देख लें कि पूरा ये कंप्लीट फॉर्म यहाँ तक ओपन होना है आपका। पूरा ये कंप्लीट फॉर्म यहाँ तक ओपन होना है। अब जब ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा तो उसको आपने किस तरीके से अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यानी डोमिसाइल या डिस्ट्रिक्ट की जो इन्फॉर्मेशन जो आपके डोमिसाइल में गिवन है वो आपने फिल करनी है। यानी आप करंटली कहाँ रिजाइड कर रहे हैं एक तो वो है, लेकिन जो आपके डोमिसाइल में लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट से आपने यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कराची साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ पर देखें आप कराची लिखेंगे तो यहाँ पर सारे आपके पास डिस्ट्रिक्ट खुल के आ जाएंगे। उसके बाद किस एरिया का आपका डोमिसाइल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके रिस्पेक्ट से डोमिसाइल का जो भी एरिया सिंध है, रूरल अर्बन है, यहाँ पर वो डोमिसाइल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करना है। मेरा नाम आ रहा है हारिस जिक्र रहमान पूरा, तो फुल नेम यहाँ पर आप अपना फुल नेम, कोशिश करें कि आप अपना फुल नेम कैपिटल लेटर्स पे फिल करें। फिर जेंडर, यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ में आप प्लीज कॉशियस रहिएगा वाइल सेलेक्टिंग डेट ऑफ बर्थ, कि यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे बच्चों को यहाँ पर मुश्किल हो रही है। मैंने क्लिक किया, देखिए ईयर में चला गया हूँ मैं तो 99 में जाके अब मुझे फरवरी जून जुलाई जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी मैं यहाँ पर डाल के अपडेट कर सकता हूँ। फादर नेम डालेंगे आप, फादर ऑक्यूपेशन डालेंगे आप, जो यहाँ पर स्टेरिक लिखा हुआ है ना, जहाँ पर जहाँ जहाँ जो स्टेरिक है ये इन्फॉर्मेशन आपने जरूर पुट करनी है, ये इन्फॉर्मेशन जरूर आपने इनपुट करनी है। ऑक्यूपेशन डालेंगे, जो भी उनकी मंथली इनकम है, यहाँ पहले ही उसका टैब बना हुआ है, मंथली इनकम आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपनी मोबाइल नंबर आप कोशिश करें जरूर सही डालें जिस पे आप कांटेक्ट आपका मेंटेन हो सके। लास्ट बैच वन बैच टू में हमें ये इश्यूज आए थे कि लोगों ने मोबाइल फोन्स डाले थे लेकिन वो मोबाइल फोन्स जो थे उनके बाद में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से इश्यूज हमें क्रिएट हुए थे। ईमेल आईडीज, सही ईमेल आईडीज डालिएगा अपनी प्लीज। और फिर रिलीजन जो है आपका CNIC विदाउट डैश, यानी कि ये इस तरह से ईमेल आईडी आपको CNIC डालना है, इसमें डैशेस नहीं डालने, सिंपल आपने ईमेल आईडी ये सॉरी ये सब जो भी है आपको इस तरह से अपना इनपुट करना है विदाउट डैशेस। एड्रेस अपना डालिएगा यहाँ पर, एड्रेस जो भी आपका करंट एड्रेस है जहाँ पर हम आपको कॉन्टेक्ट कर सकें वो करंट एड्रेस यहाँ पर आप जरूर डालिएगा। उसके बाद एजुकेशन लेवल में आप देख लें, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स में पढ़ रहे हैं आप, तो आप इसका मतलब बैचलर्स आपने नहीं किए हैं, आपने जो है वो इंटरमीडिएट पास किया। तो बैचलर्स लेवल में आप देखें NDA मैट्रिक कहलाता है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये इंटरमीडिएट कहलाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये बैचलर्स है। अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो फिर बैचलर्स की एंट्री को एंटर कीजिएगा। उसके बाद मास्टर्स है, MPhil है, PhD है, जो भी आपका डिप्लोमा भी दिया हुआ, सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, BTech भी दिया हुआ है, BE भी दिया हुआ है, तो जो भी आपका यहाँ पर एजुकेशन लेवल है, FSC भी जो है वो HSHSC के अंदर लाई कर जाएगा फेडरल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के तौर पर। उसके इंस्टीट्यूट नेम जो भी है आपका, फिर पास आउट डेट जो भी आपकी, और उसको फिर एड रिकॉर्ड कर दीजिएगा। मजीद आपने कोई एंट्री लेवल आपने किया है नहीं, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने डाल दिया SSC का, उसका मैंने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, उसका एड रिकॉर्ड फिर मैंने डाल दिया। उसके बाद जो आपका सबसे लेटेस्ट है वो लास्ट में एंटर कीजिएगा अपना सेकेंड। उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस कोई है आपका तो आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे अगेन अपडेट कीजिएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप वो करंटली आप वहाँ पर काम करें तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेड की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोच समझ के डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कराची साउथ, तो हमारा कराची साउथ आ गया, हमारा कराची साउथ आ गया। कराची साउथ में हमारे पास देखें हम कराची साउथ का मतलब हो गया जहाँ पर DHS सफा यूनिवर्सिटी है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे DHS सफा यूनिवर्सिटी। तो कराची साउथ पे फॉर एग्जाम्पल तोड़ घर आ गया इसके अपने यहाँ पर, तो आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा KRACHI कराची साउथ, तो कराची साउथ आपके पास आ गया। कराची साउथ के बाद आपके पास आ गया DHA सोफा यूनिवर्सिटी आ गई। उसके बाद आपके पास ट्रेड्स आ गए, यहाँ पर एक है आपके पास इंटरनेट डेवलपमेंट ऑफ थिंग, तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो खुद ब खुद भी वो चीज़ सिलेक्ट हो सकती है। आपने लिखा इंटरनेट आ गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
ये आ गई आपके पास फॉर एग्जांपल, आपने लिखा रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिजाइन, ये आ गया आपके पास फॉर एग्जांपल, आपने लिखा आई ओ टी, लिखा आई ओ टी आ गया आपके पास, और ए आई लिखा, ये आर्टिफिशियल सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा, तो ये भी आ गया। आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल वेब डिवेलपमेंट या वेब डिजाइनिंग, तो ये भी आ गया आपके पास, या आपने लिखा कैट सी ए, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर भी करेंगे। डी एच ए सुफा इंस्टीट्यूट का नाम है, डी एच ए सुफा यूनिवर्सिटी, अभी यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में नहीं आ रहा है, अदरवाइज ये ड्रॉप डाउन, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें अपडेट नहीं की हैं तो इसलिए वो डी एच ए सुफा यूनिवर्सिटी को यहाँ पर नहीं दिखा रहा, अदरवाइज कराची साउथ में फॉर एग्जाम्पल। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है कराची साउथ, इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट करना है डी एच ए सुफा यूनिवर्सिटी, और फिर उसमें ट्रेड आपने जो भी है आई ओ टी आपने लेना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेना है, सही है, या फिर आपने आर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन लेना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना है, या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आ गया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देखें डी जे सुफा यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गया आपके पास। तो पहले आपने कराची साउथ सेलेक्ट किया, अब आपने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखें कहाँ कहाँ ऑफर हो रहा है बता देगा आपको डी जे सुफा में, और कराची साउथ में सिर्फ डी जे सुफा यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है। इसके अलावा आपने कहा कि मुझे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, अगेन रिन्यूएबल एनर्जी को सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद आप ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो कराची साउथ में ऑटोमेटिकली डी एच ए सुपर यूनिवर्सिटी आ जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अगेन दोबारा से कर लेते हैं, पहले आपने लिखना है कराची साउथ, कराची साउथ के बाद आपने ट्रेड नेम लिखना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और दूसरा आपने लिखना है डी एच ए सुपर यूनिवर्सिटी, या फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा मैंने जो है आई ओ टी को करना है, तो मैंने लिखा आई ओ टी, अगेन देखिए आई ओ टी जो है ये आ गया डी जे सुफा यूनिवर्सिटी, या आपने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा आपने, ये अगेन डी जे सुफा यूनिवर्सिटी, यानी डी जे सुफा यूनिवर्सिटी के अंदर साली के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। फिर अपनी तस्वीर एक डालिए जो कि प्रोफेशनल तस्वीर है, पासपोर्ट साइज हो, मैक्सिमम साइज ये लिखा, अक्सर लोग इस मैक्सिमम साइज को नहीं देख रहे, इस मैक्सिमम साइज इतने इससे ज़्यादा साइज की तस्वीर नहीं अपलोड कीजिए, वो अपलोड नहीं हो रही और फिर एरर्स आ रहे हैं। उसके बाद आप अगर अदर एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं, अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, नहीं तो कुछ डालने की जरूरत, या तो अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो नो कर दिया, स्पोर्ट्स पर्सन हैं नहीं है यस नो, इनको ज़रूर क्लिक कीजिए, डिसेबल्ड हैं फॉर एग्जाम्पल आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो आप लिख दीजिए नो। यहाँ अदर एट्रीब्यूट्स में ऑर्फन या विडो अगर आप नहीं है तो किसी चीज़ पर क्लिक नहीं करें, जब ये हो जाएगा तो आप उसको सेव रिकॉर्ड कर दीजिएगा, तो आपका जो है वो डाटा अपलोड हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आपका डाटा अपलोड अगर नहीं हो रहा है, नैपटेक के पोर्टल में इशूज आ रहे हैं, और नैपटेक के पोर्टल में इशूज आ रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नैपटेक का पोर्टल नहीं चल रहा है उनका, तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लिखिए इसको, ये हमारा एक गूगल फॉर्म है, ये हमारा एक गूगल फॉर्म हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये गूगल फॉर्म हमने यहाँ पर अपलोड किया है, इसका एड्रेस हम लोगों ने सबसे शेयर भी किया है, और ये हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यहाँ पर फेसबुक पेज पे भी अपलोडेड है, अगर मैं दिखाऊँ आपको डी एच ए सुफा यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ये फेसबुक पेज पे हमने अपलोड भी किया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, ये देखिए आप, ये सारे ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन फेसबुक पेज पे भी अपलोडेड है हमारे पास, जब इसको सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म का यहाँ पर लिंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जब इसको क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म भी खुल जाएगा आपके पास, इस गूगल अगर आप फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर रजिस्टर नहीं करा पहली जो प्रेफरेंस है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो यही आपका ये जो है पोर्टल है आपका, अगर ये पोर्टल अगर आप यहाँ पर डाटा अपलोड करा देते हैं तो मोर देन इनफ है, अगर पोर्टल पे डाटा अपलोड नहीं हो रहा है तो फिर आप सेकंड ऑप्शन के तौर पे ये नैपटेक बैच 3 के यहाँ पर आप पोर्टल पे जो है वो डालिए अपनी डिटेल्स, यहाँ पर देखिए कराची साउथ ऑलरेडी डाला हुआ है इधर, ये इसको आप एंटर नहीं कर सकते, फुल नेम मैंने अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे दिया है सब जो भी है मेरी एजुकेशन लेवल वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग अपनी चीज़ें अपलोड कर दें और आप अपलोड कहते हैं शेयर करें डाटा। तो ये आज की वीडियो थी, काइंडली आप जल्द से जल्द अपनी डिटेल्स अपलोड कीजिए, 30 जनवरी की लास्ट डेट है, और हमारे पास देखें जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन भी है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में खास तौर से देखें आप, हमने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का एक नया पोर्शन ऐड किया है जिसमें UML और XML के हवाले से बात भी करेंगे हम, तो उसके अलावा हमारे पास IoT बेस्ड स्टैम ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, ये जो कोर्स है ये कोर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक ब्रांच के तौर पर ऑफर किया जा रहा है, यानी आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ट्रेड को सिलेक्ट करना है और उसमें फिर हम IoT बेस्ड ट्रेनिंग को भी IoT बेस्ड ट्रेनिंग भी है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ट्रेनिंग्स भी है,
ये दोनों ट्रेनिंग्स हम आईओटी के अंदर फ्लेवर के साथ दे रहे हैं। एक हमारे पास जो आईओटी की ट्रेनिंग है वर्क होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्री ऑटोमेशन की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द